आइए देखिए हम लोग जीके जी इसको पढ़ते हैं करंट। देखिए कि बिहार पुलिस में बहुत सारे करंट आ रहा है, ठीक है, और इसको करंट बहुत जरूरी है याद करना। आप देखिए हम करंट बोल रहे हैं उसको आप मतलब कोशिश कीजिए कि मतलब याद हो जाए, ठीक है। तो बताइएगा सबसे पहले अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? केरल। केरल बना है। भारत का पहला ODA प्लस जिला कौन बना है? ODA प्लस जिला कौन बना है जी? वायनाड, केरल में, ठीक है। सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोर्स स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य? केरल, ठीक है। भारत का पहला राज्य जिसने अपनी सभी पुलिस जिलों को ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने का, देखिए भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में बनाया जा रहा है? कोलकाता में, ठीक है। भारत की पहली अंडर अंसी दिल टनल का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? मुंबई में। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में खोला जा रहा है? तो आपका लखनऊ में। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोलेगा? मुंबई में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खोला जाएगा बताइए? बेंगलोर में। आप विश्व का पहला 3D प्रिंटर हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो केरल में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75x25 पहल रोग किस रोग से संबंधित है? तो उच्च रक्तचाप को और मधुमेह से, ठीक है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिए कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। अब बताइए कि 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है जी? पटना नगर निगम, ठीक है। रेशम किट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? उत्तराखंड। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में बनाया जा रहा है? जयपुर में। तो देखिए अब एक और बताइए, किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? आपका कोलकाता में। तो ये बता दीजिए एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत का पहला 100% डाई मिथनाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया गया है बताइए? कौन IIT किया है? तो IIT कानपुर। एशिया की सबसे लंबी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू किया गया? थाने। थाने कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो गोवा में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुदेशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है बताइए? मेघालय में। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका कौन है? बिहार है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो आपका भारत, ठीक है। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड में। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है बताइए? रियाना बरनावी। कौन बनी है? रियाना बरनावी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? सुल्तान अल नेहादी, ठीक है। तो अब बताइएगा क्वेश्चन है कि IIT मद्रास किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है? तो तंजानिया ने। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो आपका नेपाल देश हो गया, ठीक है। तो बताइए दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क सिटी को। और हम फिनलैंड नाटो सेन संगठन में शामिल हो रहा है, इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 31 को देश है। दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क सिटी को, ठीक है। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 उद्घाटन किया था? चीन में। अब बताइए कि विश्व के किस देश में महिला पायलटों की संख्या सबसे अधिक है?
तो भारत में। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका उत्तराखंड में। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का नाम क्या रखा गया है? रामबान। क्या रखा गया? रामबान। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? था नई दिल्ली में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया गया? था हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित करेगा? फिनलैंड। कौन सा देश करेगा? फिनलैंड। अब देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? Taifa-1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विपर्जय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया था? गुजरात के। अब आज ये खेलकूद के बारे में कुछ जानकारियां ले लीजिए। ठीक है, विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में। पुरुषों के पूर्व सदस्य T20 मैच में अपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन। कौन बनी है? किम कॉटन। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना है? विराट कोहली। ठीक है, तो अब बता दीजिए कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्व में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम। ठीक है, सभी ICC किताब जीतने वाली पहली विश्व के पहली टीम कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया बना है। जेवेलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। BCCI ने भारत क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना गया था? एडियास को। ठीक है, एडियास को। अब आ जाइएगा आप पर्यावरण और परिस्थिति में आ जाइए, उसके बारे में कुछ जानकारी बहुत जरूरी है। तो बताइए भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना है? मध्य प्रदेश सांची। ठीक है, मध्य प्रदेश सांची। किस राज्य में पहली मैग्रो पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है? तो उड़ीसा में। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। विश्व का पहला जटाऊ संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए पश्चिम बंगाल। और अब बताइएगा जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ये करंट अफेयर्स है, आपको डेली अगर सुनना है, डेली जानना जानकारी लेना है न्यू करंट, तो आप मेरे यूट्यूब पर चैनल पर बने रहिए। और अगर अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।